जानकारों के मुताबिक अगर नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो फिर देश में बनने वाली कोई भी बिल्डिंग असुरक्षित नहीं होगी। विदेशों से इस तरह की तकनीकें भारत में पहले से ही आ चुकी हैं। इन तकनीकों की मदद से इमारत के निर्माण में लगने वाले वक्त में काफी कमी आई है। वक्त के साथ साथ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी इन तकनीक ने काफी कमी की है। हालांकि केवल तकनीक के भरोसे रहकर ही एक बेहतरीन बिल्डिंग को बनाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए लगातार निगरानी के साथ ही कंस्ट्रक्शन के जानकारों की जरूरत होती है। इसके साथ ही तकनीक के इस कमाल ने लोगों को घर बैठे ही अपने आशियाने के निर्माण पर हर पल नजर रखने का मौका भी दिया है। सबसे ज्यादा बड़ी बात इसमें क्या है, जो टाइम है वो टाइम लगभग 50% रह जाता है आपका बनाने का। जो तो नेचुरली बात है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर अब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। एक जैसे मैंने कहा अल्मोनियम फोम शटरिंग एक ये टेक्नोलॉजी है। दूसरा अभी एक टेक्नोलॉजी और चलन में अब धीरे धीरे आ रही है, जो अभी तक ज़्यादातर फ्लाईओवर्स में, मेट्रोज में, इनमें यूज़ होता था, तो प्रीफैब भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी अब एक चलन में है। जब तक उसको पोजीशन नहीं मिलती है तब तक के वो लाइव अपडेट भी उस पर देखे कि मेरी सोसाइटी की क्या सिचुएशन आज की डेट में है, और जिस दिन पोजीशन मिलनी है वो उस दिन आके उसकी की ले सकता है। इसके बीच में जितने भी और मीडिया हैं वो अपनी पेमेंट का चाहे इलेक्ट्रॉनिक वे से ट्रांसफ़र कर सकता है।